जुजुत्सु कैसन का मेन विलन जो कि केंजाकू है, वो फाइनली हमको 15 से 20 चैप्टर के बाद में मांगा के अंदर देखने को मिला है। इस चैप्टर के अंदर हमको पता चला है कि जब गोजो से सुकुना के फाइट हो रही थी तब असलियत में केंजाकू क्या कर रहा था। वैसे तो इस वाले चैप्टर के अंदर इतनी बड़ी चीज कोई हुई नहीं है, यहाँ पर हमको एक लड़की दिखाई गई है, शायद से वो गोजो की बहन हो सकती है। और साथ साथ यहाँ पर हमें केंजाकू के प्लान्स के बारे में भी कुछ पता चला है कि वो कैसे सारे के सारे सोर्सरर पे अपनी नजर रख रहा है, क्योंकि वो सुकुना उसे गोजो की फाइट से तो काफी ज्यादा दूर था, लेकिन फिर भी उसको फाइट के अंदर क्या चल रहा है सारी की सारी चीजें उसको एक जगह बैठे बैठे पता चल रही थी। चैप्टर की शुरुआत होती है और हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो कि केंजाकू से भाग रही होती है। इसकी आइडेंटिटी यहाँ पर अभी अननोन ही है कि इसका नाम तक यहाँ पे हमको बताया नहीं गया है। वो लड़की केंजाकू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि केंजाकू ने जो कनिंग गेम्स के टाइम पे कांड करे थे वो बोल रही होती है कि ये कुछ ज्यादा ही क्रूल हरकत है, क्योंकि ऑलरेडी हम मर चुके थे, फिर तुमने हमको एक कर्स ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके फिर से इस लाइफ में वापस लाया, अभी फिर से तुम हमारी लाइफ वापस लेना चाहते हो। उसके बाद फिर हमें फाइनली केंजाकू को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के सामने खड़ा होता है। वहां पर केंजाकू ने उस वाली लड़की को बबल्स के अंदर ट्रैप करके रखा था। वहां पर केंजाकू उसको बोलता है कि अगर तुमको ये वाला पानी टेस्टलेस लग रहा होगा तो मैं इसके अंदर कुछ फ्लेवर्स भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि केंजाकू उसको बोलना चाहता है कि तेरी मौत में ऐसी फीकी फीकी नहीं होने दूंगा। वहां पर वो लड़की एक साइड में अपने आप को छुड़ाने का ट्राई कर रही थी, यहाँ पर एक साइड में केंजाकू बोल रहा होता है कि मुझे तो तुम लोग पसंद नहीं हो, फिर भी तुम लोग को वेस्ट करना काफी ज्यादा बुरी बात है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि केंजाकू बस बाकी लोगों को अपना टूल्स ही समझता है। उसके बाद में केंजाकू वहाँ पर बोल रहा होता है कि जितने सारे लोग कलिंग गेम के टाइम में रिकनेक्ट हुए हैं उसने उन सारे लोगों के ऊपर एक कर्स ऑब्जेक्ट या बोल सकते हैं कर्स सिंबल लगा के रखा है, जिसकी मदद से वो लोगों को कहीं पर भी ट्रैक कर सकता है कि उनके पास में कितनी कर्स एनर्जी बची है या वो किस स्टेट के अंदर है। यहाँ पर केंजाकू बोलता है कि जिस बंदे की पावर्स अवेकन हुई है उनके ऊपर भी उसने एक कर्स सिंबल डाल के रखा है। ऐसा लगता है कि भाई केंजाकू ने किसी भी बंदे को नहीं छोड़ा, सबकी प्राइवेसी उसने यहाँ पर भंड करके रखी है। केंजाकू इस वाली लड़की से बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पर एक दूसरा कैरेक्टर आता है जिसका नाम हाजानोकी बताया जा रहा है। हाजानोकी केंजाकू के पास में आके बोलता है कि वो लड़की तो ऑलरेडी मर चुके है तो तुम उससे क्या बात कर रहे हो। वहाँ पर पता नहीं केंजाकू अपने आप से बात कर रहा था या किससे बात कर रहा था। वो बोलता है कि अगर किसी को मेरा फ्रेंड बनना है तो उसकी पावर मेरे लेवल की होनी चाहिए। शायद से केंजाकू यहाँ पर हाजानोकी को ट्रोल कर रहा होगा। वहाँ पर हाजानोकी बोलता है कि मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी तुम्हारे बाल काफी ज्यादा लंबे हैं और मुझे लंबे बालों वाले लोगों से कोई भी दोस्ती नहीं करनी है। उसके बाद में केंजाकू उसको चुप रहने के लिए बोलता है और अपने जेब से एक मोबाइल निकालता है जिसके अंदर वो गोजो से सुकुना की फाइनल बैटल देख रहा होता है। वहां पर वो बोलता है कि सुकुना के टेक्निक से गोजो के दो टुकड़े होने के बाद में गोजो का फेस तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहां पर केंजाकू एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो एक जगह पे बैठ के सारी की सारी चीजों को देख पा रहा है। वो बोलता है कि उसने सेंजुकू में अपने कर्स स्पिरिट को छोड़ दिया है जो कि वहां पर बैठे सारी के सारे लोगों की कर्स एनर्जी को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर वहां पर कोई भी बंदा मर जाता है या वहां से चला जाता है तो उसको यहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पर एकदम से किसी के बनने से या किसी के चले जाने से कर्स एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी और उसको पता चल जाएगा। वहां पर वो बोलता है कि मेरे कर्स स्पिरिट की वजह से मुझे अभी पता है कि किस बंदे के पास में कितनी कर्स एनर्जी बची है। वहां पर वो बोलता है कि यूता अभी नंबर 2 पे है, उसकी कर्स एनर्जी काफी ज्यादा हाई है और शायद से यूता ऐसा बंदा है जो कि मुझे टप चैलेंज दे सकता है। केंजाकू अपनी बातों को खत्म करके एकदम से हाजानोकी के ऊपर अटैक कर देता है। वहां पर हाजानोकी अपनी दांतों के ऊपर अपनी कर्स स्पिरिट को कोटेड करके केंजाकू के ऊपर फेंक देता है। वहां पर बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है। जब वो देखता है कि यहाँ पर केंजाकू इस वाले ब्लास्ट से बच चुका है, उसको एक स्क्रैच भी नहीं आया, तब वो घबरा जाता है और भागने लग जाता है, लेकिन केंजाकू यहाँ पर उसको भी बड़ी आसानी से मार देता है। वहां पर हाजानोकी मरते टाइम केंजाकू से पूछता है कि तुम्हारा असलियत में मोटिव क्या है, तो वहां पर केंजाकू उसका आंसर देते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कैसे भी करके कलिंग गेम्स को खत्म करना है, इसलिए वो एक एक करके सारे के सारे कलिंग गेम्स के प्लेयर को मारे जा रहा है। आगे चल के वो बोलता है कि सारे के सारे प्लेयर्स को इलिमिनेट करने के बाद में वो अपनी बाउंडिंग वॉल से मर्जिंग प्रोसेस शुरू कर देगा, जहाँ पर टेंजन जितने सारे जापान के इनोसेंट लोग है जो कि कर्स एनर्जी को देख भी नहीं सकते उनको टेंजन के साथ में मर्ज कर देगा। उसके बाद में वहां पर हाजानोकी मर जाता है और एक तीसरा कैरेक्टर वहां पर केंजाकू के सामने आ जाता है, उसका नाम रहता है टाकाबा। टाकाबा को एकदम से देखने के बाद में केंजाकू उसके ऊपर एकदम से ब्रूटल अटैक कर देता है। टाकाबा तो उस वाले अटैक से बच जाता है। वो केंजाकू को बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे ऊपर अभी भी कोई नजर नहीं रख रहा है, तुम तो ऐसे फ्रीली कहीं पे भी घूम रहे हो। वहां पर केंजाकू उसको बोलता है कि मुझे वीकेंड प्लेयर से कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे बस एक ही बंदे से डर है जो कि है हिगुरुमा। उसके बाद में केंजाकू सीधा टाकाबा को मारने निकल जाता है। वो एकदम से टाकाबा के ऊपर अटैक तो कर देता है, लेकिन जब वो देखता है कि टाकाबा इस वाले अटैक से बच चुका है तो वहां पर वो चौंक जाता है कि ये बंदा कैसे बच गया। उसके बाद में सीधा हमको एक लास्ट पैनल दिखा जाता है जहां पर टाकाबा बोल रहा होता है कि इस वाले दुनिया में बहुत सारी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज है कि कैसा एक एंटरटेनर पूरी के पूरी शो को अपनी तरह आकर्षित कर लेता है। यहाँ पर इस वाली लाइन को देख के ऐसा लग रहा है कि टकाबा का कोई ना कोई पावर अप हुआ होगा, इसलिए वो केंजाको को ऐसा बोल रहा है। शायद से वो बोलना चाहता है कि वो केंजाको को 80-85 टक्कर दे सकता है। खैर इसका तो हमको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही पता चल जाएगा कि टकाबा जिंदा भी रहता है नहीं रहता है, क्योंकि भाई केंजाको तो उसको इतने हल्के में नहीं छोड़ने वाला है। खैर ये वाला चैप्टर में इतनी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई नहीं, क्योंकि एकदम से हमको केंजाको का पार्ट दिखाया गया कि केंजाको असलियत में क्या कर रहा था। यहाँ पर इस वाले चैप्टर के अंदर हमको पता चल गया कि केंजाको सारे के सारे कलिंग गेम्स के प्लेयर्स को हंट कर रहा है, एक एक करके वो सबको मार रहा है। वो फुली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमको फिर से फाइट दिखाया जाए, जहाँ पर हमको इतादोरी का कुछ फाइटिंग सीन या उसका पावर अप देखने को मिल जाए। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।